गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, धोरण त्रण विषय हिंदी गिनती सिखा रही हूँ। एक से दो बीस तक। देखो आप अभी कौन सी कक्षा में आ गए? तीसरी। अभी हिंदी में आपको बोलना चाहिए। अभी पहली और दूसरी कक्षा में आप हिंदी नहीं बोल पाते थे ना अच्छी तरह, तो अभी आपको क्या करना है? घर में मम्मी के साथ हिंदी में बात करनी, पापा के साथ करने की बात, दीदी के साथ, भैया के साथ, तो आप अच्छी तरह हिंदी पढ़ सकोगे। समझ में आए? और आपके जो जो हम वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह देखिए। सुबह 8 बजे से 12:45 बजे तक हमारी पढ़ाई होती है, तो आप बच्चों को खास विनंती, जल्दी सुबह उठ जाओ, नहा धो के चाय नाश्ता करके आपको ऑनलाइन पढ़ने का है। यानी हमारा वीडियो जो जो हम विषय के भेज रहे हैं ये आपको देखने का है और नोटबुक में लिखने का है। तो मैं देखो ये वीडियो आपको भेजूंगी, तो आप लोगों ने विषय की नोटो बना दी? नहीं बनाई तो जल्दी बना देना। जो बच्चे अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं खरीदे हैं वो खरीद लो, और होमवर्क भी भेजना। हिंदी की नोटबुक बनाई, डबल लिट्टी की आती है ना, वो बनाने की। इस तरह इसमें क्या अच्छी तरह राइटिंग भी निकाल सकोगे और लाइनिंग बना के लिखने का, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे ही लिखने का और बोलने का हिंदी में। देखो एक, तो हिंदी में कैसे मैंने एक लिखा है ऐसे एक लिखने का। दो, देखो मैंने कैसे दो लिखा है ऐसे दो लिखने का। तीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, देखो आठ कैसे लिखा है। नौ, तो देखो नौ मैंने कैसे लिखा है ऐसे लिखना। 11, देखो मैंने 11 कैसे लिखा है, दिखाई देता है ना। देखो मैं तो आपको अच्छी तरह दिखाऊंगी, आप अच्छी तरह लिख सको। देखो 11 ऐसे लिखने का, 11 फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। को पता चल गया कैसे लिखने का है? दूसरी बार मैं पढ़ रही हूँ, दिखाई देखो आप वीडियो अच्छी तरह देखो, नजीक से मैं वीडियो ले रही हूँ, जैसे आप अच्छी तरह नोटबुक में लिख सको। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस। तो ऐसे बोल के आपको लिखने का है और पढ़ने का है, ऐसे लाइनिंग बना के आपको अच्छी तरह लिखने का है, अच्छी राइटिंग निकालनी है। और किस में लिखने का है? डबल लिट्टी की नोट आप लोगों ने जो बनवाई है ना, नहीं बनवाई तो आप अभी से भी बनवा लो, नहीं खरीदी तो खरीद लो और होमवर्क हमको भेजो। और हम जो जो विषय के वीडियो आपको भेज रहे हैं ना बेटे, तो अच्छी तरह देखो, नहीं समझ में आए
तो आप हमको कॉल करके बोल सकते हो। तो आप सभी विद्यार्थियों को खास विनती है कि आप नोटबुक में लिखिए विषय की नोट में, पढ़िए और हमको होमवर्क भेजिए। जो बच्चों अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं खरीदे वो बच्चों को खास विनती कि पाठ्य पुस्तक खरीद लेना चाहिए, और विषय की नोट अभी नहीं बनाई है तो बना दो और हमको होमवर्क भेजो। तो थैंक यू विद्यार्थियों, चलो बाद में आपको मैं दूसरा सिखाऊंगी। बाय बाय।